नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट दो उसकी कार्य पत्रिका। ठीक है, आपको इस कार्य पत्रिका को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में करते हुए कंप्लीट करते हुए मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके, देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, प्रश्न एक, विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं बच्चों? उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसका हमें एकदम उल्टा ही लिखना है। पुराना, जो पुरानी चीज होती है उसके लिए हम पुराना शब्द यूज करते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा नया, है ना। पुराना का उल्टा क्या होता है? नया। आगे देखो दे रखा है बहन। बहन का उल्टा यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? भाई। कैसे लिखेंगे भाई को? देखो, आ की मात्रा लगाते हुए भ पर आ की मात्रा लगाते हुए बड़ी ई, भाई। बहन का विलोम शब्द भाई। आगे देखो दे रखा है हमें ग, सुंदर। सुंदर, उसका विलोम शब्द क्या होगा? कुरूप। कुरूप भी लिख सकते हैं और बदसूरत भी लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मात्राओं का ध्यान रखते हुए उस शब्द को लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं कुरूप। क पर छोटे उ की मात्रा, र पर बड़े उ की मात्रा, रूप, कुरूप। आगे दे रखा है हमें रुको। ठीक है, घ दे रखा है रुको। रुको का विलोम शब्द होगा जाओ। क्या होगा? जाओ, किसी को रुकने के लिए कहना, और इसका विलोम शब्द क्या होगा? जाओ। ठीक है, ये हो गए हमारे विलोम शब्द। एक बार वापस से रिपीट करते हैं। देखो, पुराना, नया, बहन, भाई, सुंदर, कुरूप, रुको, जाओ। ये हो गए हमारे विलोम शब्द। आगे हम करेंगे वचन बदलो। वचन क्या होता है? एक वचन को हमें बहुवचन में करना है, और जो बहुवचन है उसको हम एक वचन में कर देंगे। देखो यहाँ क्या देखा, सबसे पहले हमें दे रखा है डालियां। डाली में देखो कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की। ये एक वचन है। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रा चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ल पर छोटी की मात्रा लग जाएगी, और या डालियां, य पर चंद्रबिंदु लगा देंगे। बहुवचन में चंद्रबिंदु लगाते हैं, डालियां। क्या होगा डाली का? डालियां। आगे दे रखा है हमें टुकड़ा। टुकड़े का बहुवचन क्या हो जाएगा? आ की मात्रा को हटा देंगे, क्या हो जाएगा? ए की मात्रा लग जाएगी। टुकड़े, ए की मात्रा लगाते हुए टुकड़े। ठीक है, ये वचन में ये ध्यान रखते हैं, जहाँ आ की मात्रा लगी हुई हो किसमें चेंज हो जाती है? वो हो जाती है ए की मात्रा में चेंज। ठीक है, आगे दे रखा है हमें बातें। बातें क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है, तो बात का हम यहाँ लिखेंगे बात। क्या लिखेंगे? बात, क्योंकि यहाँ हमें पहले से ही बहुवचन दिया हुआ था, तो हम इसको एक वचन में बदल देंगे। आगे दे रखा है घ, रोटी। रोटी पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की, तो क्या बदल देंगे? क्या हो जाएगी बड़ी ई की मात्रा? छोटी में बदल देंगे। क्या बनेगा? रोटियां, रोटियां। या पर क्या करेंगे? चंद्रबिंदु लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुवचन में चंद्रबिंदु लगाया जाता है, रोटियां। ठीक है, ये हो गए हमारे वचन। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। डाली, डालियां। टुकड़ा, टुकड़े। बातें, बात। रोटी, रोटियां। ठीक है, आगे हम करेंगे प्रश्न तीन। प्रश्न तीन में हमें क्या दे रखा है? लिंग बदलो दे रखा है। लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पापा और मम्मी वाले शब्द होते हैं ना, तो लिंग में हम क्या करेंगे? जहाँ स्त्रीलिंग है उसको पुल्लिंग में चेंज कर देंगे, और जो पुल्लिंग है उसको हम स्त्रीलिंग में चेंज कर देंगे। देखो सबसे पहले दे रखा है सुरीला, सुरीला। ये पुल्लिंग है, इसको स्त्रीलिंग में चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सुरीली। दोनों में कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी की मात्रा आएगी, सुरीली। ठीक है, सुरीला का क्या हुआ?
सुरीली, आगे करेंगे ख चिकनी, चिकनी क्या है स्त्रीलिंग है तो इसका पुरलिंग क्या बनाएंगे चिकना, च पर छोटी की मात्रा ची, क ना ये जो ई की मात्रा लगी हुई है ना इसको बदल देंगे और यहाँ पर कौन सी मात्रा आ जाएगी आ की मात्रा आ जाएगी चिकना। आगे देखो दे रखा है हमें आऊंगी, तो आऊंगी का कौन प्रयोग करता है स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, हम यहाँ करेंगे इसको पुरलिंग में चेंज कर देंगे, आऊंगी का आऊंगा, लड़के क्या यूज करते हैं ऐसे बोलते हैं ना मैं आऊंगा, तो यहाँ पे भी हम आऊंगा कर देंगे। ई की मात्रा किस में बदल देंगे, ई की मात्रा आ में बदल देंगे, आऊंगा, आऊंगी का क्या होगा आऊंगा। घ दे रखा है हमें भूखी, अब देखो ख पर कौन सी मात्रा लगी हुई है बड़ी ई की, कौन सी मात्रा है बड़ी ई की, किस में बदल देंगे इसको आ की मात्रा में, भूखी का क्या हो जाएगा भूखा, आ की मात्रा लगा देंगे भूखा, क्या हुआ शब्द भूखी का भूखा। लास्ट हमें दे रखा है गाता, गाता क्या है पुल्लिंग है, इसको हमें स्त्रीलिंग में चेंज करना है, जब एक लड़की गाना गाएगी तो क्या बोलेंगे गाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाता का गाती, त पर कौन सी मात्रा है बड़ी की, ठीक है गाता का गाती। चलो एक बार इसको वापिस से पढ़ लेते हैं, सुरीला सुरीली, चिकनी चिकना, आऊंगी आऊंगा, भूखी भूखा, गाती गाता सॉरी उसका हो जाएगा गाती, ठीक है। अब हम करेंगे प्रश्न चार जो आप सबको करने में बहुत मजा आता है ना। अब देखो इसको किससे मिलान करेंगे, लोमड़ी, देखो इसमें क्या है जो लोमड़ी से मिलान करने लायक है, क्या है लोमड़ी कैसी होती है चालाक, तो लोमड़ी को चालाक से मैच कर देंगे। ख है रोटी, रोटी को किससे मैच करेंगे टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा उससे मिलान कर देंगे। आगे क्या दे रखा है कौआ, कौए को किससे मिलान करेंगे चोंच से, किससे मिलान करेंगे कौए की चोंच यानी कि चोंच से मिलान कर देंगे। पेड़, पेड़ पे पेड़ को किससे मिलान करेंगे, देखो यहाँ पे डाली, पेड़ की डाली। गीत कैसा होता है लास्ट बचा हुआ है उसे उससे मिलान कर देंगे सुरीला से, ठीक है। एक बार वापिस से मिलान को बढ़ते हैं, लोमड़ी चालाक रोटी टुकड़ा कौआ चोंच पेड़ डाली गीत सुरीला। ये हमने बच्चों अपनी वर्कशीट दो कार्यपत्रिका दो को पूरा कर लिया है, ठीक है। इसका जो एक पीडीएफ है वो आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको कंप्लीट करते हुए सुंदर हैंडराइटिंग में मेरे पास सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है, धन्यवाद।